जो पैरा और फेरो, जैसे पैरा एल्युमिनियम एग्जाम्पल है और फेरो का आयरन एग्जाम्पल है, तो एल्युमिनियम एल्युमिनियम क्यों है, मैग्नेट क्यों नहीं है, और आयरन आयरन क्यों है, मैग्नेट क्यों नहीं है, इसका रीज़न है अंदर से अगर आप पैरा मैग्नेटिक मटीरियल को देखें तो अंदर से ये एरो का मतलब डायपोल मोमेंट है। तो सभी एटम का डायपोल मोमेंट है पैरा के अंदर, हर एटम इज एक्टिंग लाइक अ मैग्नेट, पता है, लेकिन एक डायपोल मोमेंट दूसरे डायपोल मोमेंट को क्या करता जा रहा है, कैंसल, एक दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, तो नेट डायपोल मोमेंट क्या है पैरा का, जीरो। इसलिए ओवरऑल दे डोंट एक्ट लाइक अ मैग्नेट। लेकिन जब आप इन्हें एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो सारे एटम का डायपोल मोमेंट एक तरफ अलाइन हो जाता है और डायग्राम ऐसा बन जाता है, तो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह काम करता है, यानी कि ये मैग्नेटाइज होते हैं जब आप इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। लेकिन सेम एग्जाम्पल कोई सोचता है कि फेरो के अंदर भी सेम है ना, फेरो के अंदर डायग्राम ऐसा है, फेरो के अंदर ये वॉल्यूम्स हैं, मतलब पूरे मटेरियल के अंदर वॉल्यूम है, इसके अंदर मान लो 1 लाख एटम है इस वॉल्यूम के अंदर, वो एक दो बनाए हैं वैसे इससे, तो 1 लाख कैसे बनाएगा, होंगे तो 1 लाख से भी ज़्यादा, तो 1 लाख एटम के 1 लाख एटम का डायपोल मोमेंट एक ही तरफ होगा और अगले वॉल्यूम का डायपोल मोमेंट इस तरफ होगा, हर एटम का इसी तरफ होगा। इसमें ऐसा नहीं था, इसमें रैंडम है, हर एटम का रैंडम है, वॉल्यूम का चक्कर ही नहीं है। इसमें ग्रुप बने हुए हैं, इस ग्रुप का डायपोल मोमेंट सभी का एक ही तरफ होता है और अगले ग्रुप का सभी का इस तरफ, अगले ग्रुप का इधर, अगले ग्रुप का इधर, तो यानी कि वॉल्यूम बांट रखे हैं सबने, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में डायपोल मोमेंट सभी का एक तरफ रहता है और दूसरे में दूसरी तरफ रहता है। तो फिर ये मैग्नेट क्यों नहीं काम करते, क्योंकि 1 लाख डायपोल मोमेंट अगले 1 लाख डायपोल मोमेंट को क्या कर जाते हैं, कैंसल। पैरा के अंदर एक एक को कैंसिल करता है, एम एम को कैंसिल करता है, यहां 100 100 को कैंसिल करेगा, 1000 1000 को कैंसिल करेगा, ग्रुप की ग्रुप के साथ लड़ाई है। और इस वॉल्यूम को नाम देते हैं डोमेन, ये वॉल्यूम नहीं है, इसको बोलते हैं ये आयरन का डोमेन है, ठीक। लेकिन जब आप इन्हें मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो होता क्या है, मान लो धीरे धीरे आपने मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाया तो आप देखेंगे ये डोमेन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ये अपने पड़ोस के डोमेन को भी अपने अंदर मिला लेगा, फिर और स्ट्रांग फील्ड में ये अपने और पड़ोसी को मिला लेगा, और स्ट्रांग फील्ड में ये अपने और पड़ोसी को मिला लेगा, और स्ट्रांग फील्ड में सभी को मिला लेगा, और सब्सटेंस फाइनली क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज। तो सब्सटेंस यहां पर मैग्नेटाइज हो गया, और इस प्रोसेस को जब एक डोमेन दूसरे डोमेन को, दूसरा तीसरे को अपने अंदर मिलाता जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सचेंज कपलिंग। एक्सचेंज कपलिंग का मतलब कि वो एक डोमेन दूसरे डोमेन को अपने अंदर मिलाता जा रहा है और सब्सटेंस मैग्नेटाइज होता जा रहा है, क्लियर है यहाँ तक। तो ये इसका प्रोसेस है और डिफरेंस है पैरा में और फेरो में, क्या डिफरेंस है।